हेलो गाइड्स, आज हम राजमे की सब्जी बनाएंगे। ये है तेज पत्ता, प्याज कटिंग करके रखा है और उसके साथ लहसुन भी कटिंग की हुई है, टमाटो भी कटिंग किया हुआ है और ये अदरक और लहसुन का पेस्ट है और इसमें मिर्च की भी कटिंग की हुई है। ये हमने उबाल दो तीन सीटी लगा दी थी इसे राजमा को, और गैस में हम तेल रख चुके हैं। अब हम तेज पत्ता डालेंगे और साथ में प्याज और अदरक का कटिंग डालेंगे। उसमें हम आधा चम्मच हींग डालेंगे, प्याज गोल्डन ब्राउन करना है। इसे हम जीरा डाल चुके थे, चालू करना भूल गए थे। इसमें ना थोड़ा सा नमक डालेंगे स्टार्टिंग में ही प्याज के साथ ही, ये जल्दी भून जाएगा, गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। हमारा प्याज भून गया है, इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और मिर्च भी है उसी के साथ, हरी मिर्च काटी थी जो, ऐसे फिरोएंगे अच्छी तरह से। इसी के साथ इसे अच्छी तरह से वो करेंगे, भूनेंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे, टमाटर भी अच्छी तरह से भूनेंगे। एक चम्मच धनिया डाला, दो चम्मच धनिया डालना है, नमक हम पहले ही डाल चुके थे, थोड़ा सा और डालना है। थोड़ी सी लाल मिर्च, हल्दी, हल्दी थोड़ी कम होगी, हमारा मसाला भून गया है। हम थोड़ा सा ऐसा पानी डालेंगे, राजमा का पानी है ये। मसाला अच्छी तरह से पक गए, अब इसमें हम कसूरी मेथी डालेंगे। जो हमने राजमा उबाले थे वो डालेंगे इसमें सारा। अब इसमें हम तो एक सीटी कुकर बंद करके लगाएंगे। ये हमारी राजमा की सब्जी बनने के तैयार हो गई है, बहुत अच्छी टेस्टी है।